नमस्कार मुनिरुपमा स्वागत करुच्छी निरुपमा लाइफ स्टाइल गोटे नुआ वीडियो को। तो फ्रेंड्स केमिती अछंती आपण माने समस्त आशा करुच्छी आपण माने समस्त भलो रे थिबे खुशी रे थिबे आ भगवान को पाखरे मु सब बेले एमती प्रार्थना करे छे जे जोठी भी थांतु समस्त बहुत भलो रे थांतु। तो फ्रेंड्स आज रो वीडियो टी मोर रही छे स्किन केयर रिलेटेड वीडियो जोटा कि नाइट स्किन केयर रुटीन। जदि आप वर्किंग लेडी हूँ कि हाउसवाइफ हूँ तो आप राति डेली गोटे स्किन केयर रुटीन करेंगे आपणकर हार्डली आपन को 5-10 मिनिट समय लगे आपण स्किन आपच रु 10 मिनिट जब आप समय दौरान तो निहाती भाव आपन को बेनिफिट मिल स्किन बहुत ही हेल्दी रहा। तो क्या इच्छा न हुए जे समस्ते सुंदर देखापी तो आम ये आपन को तो मुझे कह आपरा गोरा हो बट आपन का स्किन हेल्दी रहा दरकार मैटर कैन आप गोरा कि कला कि स्किन जदि हेल्दी रही है तो ऑब्वियसली आप स्किन ग्लो ही कर सब बड़े तो डेरी नक चलते स्टार्ट कर। तो फास्ट स्टेप हूँ आप फेसटा क्लीन रहा दरकार तो क्लीन आपसी फेसवाश यूज करेंगे नचे आप क्लींजिंग मिल्क यूज करें ना रोज वाटर भी यूज करेंगे। तो रोज वाटर को आप कौन टिश्यू पेपर में नहीं कि कटन में नहीं कि आप स्किन को क्लीन करेंगे। ता छड़ा आप जब होम रिमेड किसी यूज कराया चाहूँ तेज से भी आपे तो चलतु फास्ट स्टेपटा मुझे देखेबी। तो फास्ट स्टेप रही क्लींजिंग तो क्लींजिंग ये मुझे क्लींजिंग मिल्क यूज कर तो फेस रे एमती पूरा अप्लाई कर नहीं कि गोटे टिश्यू पेपर हो कि कटन रे हो कि आप फेस रो टॉवल किसी रखें से फेस को भल से पोछी ने फेस को आउ टे क्लीन करने ये मुझे रोज वाटर टी स्प्रे कर सेम टिश्यू रे फेस को क्लीन कर नॉर्मल वाटर भी फेस को क्लीन करें। तो सेकेंड स्टेप अच्छी क्लींजिंग पर आमर टोनर तो क्लींजिंग पर आम पोर्स जो था ओपन हो जाए तो मिनिमाइज करने आम टोनर यूज करवा आप चाहिए रोज वाटर यूज करें। तो मुझे गुड वाइब्स रोज हिप्स टोनर यूज कर फेस रे एमती पूरा स्प्रे करना परे 2-3 मिनिट आम छाड़ दबा स्किन अब्जर्व करना पर्यंत आम वेट करिबा। तो चलो तेज नेक्स्ट स्टेप को जीवा। नेक्स्ट स्टेप रे रही सीरम तो मुझे सीरम रे गुड वाइब्स रो विटामिन सी सीरम यूज कर तो आपन चाहिए जेकोसी विटामिन सी सीरम यूज करूँ जदि आपन को स्किन रे किसी भी स्पॉट अच्छी रिमूव करिवारे विटामिन सी हेल्प करिबो। जदि आपण आपको स्किप भी करा चाहूँ तो स्किप भी करें डायरेक्ट टोनर पर आप मॉइश्चराइजर यूज करें। तो ये टाइप रो ड्रॉप्स रे फेस रे अप्लाई करने भी। तो फेस रे एमती हल्का मसाज करने की 2-3 मिनट छाड़ने भी स्किन ऑब्जर्व करना पर्यंत। देख पारे फेस सीरम पूरा स्किन अब्जर्व कर नहीं। तो नेक्स्ट स्टेप हूँ मॉइश्चराइजर तो मॉइश्चराइजर आपण स्किन निहाती दरकार आपण स्किन ड्राई हो ऑयली हो कि कॉम्बिनेशन हो तो मॉइश्चराइजर निहाती यूज करा दरकार। तो मुझे आरोमा मैजिक मॉइश्चराइजर यूज कर फेस डट डट कर लगे हल्का मसाज करने भी और 2-3 मिनिट एमती छाड़देवी किसी समय पर। देख पारे मॉइश्चराइजर पूरा स्किन रे ऑब्जर्व कर नहीं। तो चलो नेक्स्ट स्टेप को जीवा। तो नेक्स्ट स्टेप रे रही विटामिन ई रो नाइट क्रीम जो मैंने भी अंडर आई जेल यूज मॉइश्चराइजर पर यूज करेंगे। तो मोर डार्क सर्कल ना तो मुझे अंडर आई जेल को स्किप कर नहीं। तो नेक्स्ट स्टेप हूँ विटामिन ई रो नाइट क्रीम जोटा कि आप स्किन बहुत ही दरकार और 30 एबव पर आप नाइट क्रीम जब यूज कर बहुत ही बेनिफिट आपको मिल आप स्किन पूरा हेल्दी रहा
ଯେଉଁଟା ପ୍ୟାଚିନେସ୍ ଆସିଯାଇଥାଏ, ତ ସେମିତି ରହିବନି ଆପଣଙ୍କ ସ୍କିନ୍। ତ ମୁଁ ଯଦି ପୁରା ଡିସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବି ତ ଭିଡ଼ିଓ ବହୁତ ହି ଲମ୍ବା ହେଇଯିବ, ତ ମୁଁ କେବେ ଆଉ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବି ତା'ର ବେନିଫିଟ୍। ନେକ୍ସଟ ଷ୍ଟେପ୍ ରହିଛି ଆମର ନାଇଟ୍ କ୍ରିମ୍। ଆପଣଙ୍କୁ ଯେଉଁଟା ବି ପସନ୍ଦ ଆସୁଛି ଯେଉଁ ବ୍ରାଣ୍ଡର, ଆପଣ ତା'ର ନାଇଟ୍ କ୍ରିମ୍ ୟୁଜ୍ କରନ୍ତୁ। ତ ଏଇଟା ହେଉଛି ଆର୍ମା ମ୍ୟାଜିକ୍ର। ଚାଲନ୍ତୁ ନେକ୍ସଟ ଷ୍ଟେପ୍କୁ ଯିବା। ନାଇଟ୍ କ୍ରିମ୍କୁ ଏବେ ମୁଁ ପୁରା ଫେସ୍ରେ ଆପ୍ଲାଏ କରିଦେଉଛି। ତାକୁ ଆମେ ମଧ୍ୟ 2-3 ମିନିଟ୍ ଛାଡ଼ ନେବା ସ୍କିନ୍ରେ ଅବଜର୍ଭ କରିବା ପାଇଁ। ତା ସହିତ ଆମେ ଲିପ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମଶ୍ଚରାଇଜ୍ କରିବା ନିହାତି ଦରକାର, ସେଥିପାଇଁ ଏଠି ମୁଁ ଲିପ୍ ବାମ୍ ୟୁଜ୍ କରିନେବି। ଏମିତି ଆମେ 2-3 ମିନିଟ୍ ଛାଡ଼ ନେଲା ପରେ ସ୍କିନ୍ ଅବଜର୍ଭ କରିନେବୁ। ତ ଏଇଟା ହେଉଛି ମୋର ଆଜି ନାଇଟ୍ ସ୍କିନ୍ କେୟାର୍ ରୁଟିନ୍। ତ ଏଇଟା ସବୁ ସ୍କିନ୍ ପାଇଁ, ଆଉ ଆଜି ମୁଁ ଯାହା ବି ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ ୟୁଜ୍ କରୁଛି ସେ ସବୁ ଅଲ୍ ସ୍କିନ୍ ଟାଇପ୍। ତ ଆପଣ ମୋର ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଯାହା ବି ୟୁଜ୍ କରୁଛି ତାକୁ ମଧ୍ୟ ୟୁଜ୍ କରିପାରିବେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିବ। ତ ଆଶା କରୁଛି ମୋର ଏଇ ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ହି ପସନ୍ଦ ଆସିବ। ତ ଯଦି ପସନ୍ଦ ଆସେ ନିହାତି ଭାବେ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ ସେୟାର୍ ଆଣ୍ଡ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନେବେ। ଦେଖା ହେବା ଗୋଟେ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ। ଟିଲ୍ ଦେନ୍ ବାଏ ବାଏ।